till now. 16 countries, from London to India, through Iran, Pakistan, all around India, Northeast India, Kerala, Goa, up to Himachal, and now we met these guys yesterday. So good morning everyone, beautiful morning from Chatru. Welcome to my YouTube channel, Rolling Peace. ऐसे कुछ cottages थे जहाँ पे हम लोग रुके थे. And our amigos, Pavel and Sharka. Where are you leaving for today? Kaza. Kaza. We're going to Kaza to get sort out the permits for foreigners. So, उसने अपना bike पूरा ready कर लिया है. ये लोग अभी निकल रहे हैं Kaza के लिए. कल मिले थे. आपने वीडियो में देखा ही होगा. आप एक बार जान लो कौन सी ride की है इन लोगों ने. Hey Pavel, from where and where you are riding till now? Till now. 16 countries, from London to India, through Iran, Pakistan, all around India, Northeast India, Kerala, Goa, up to Himachal, and now we met these guys yesterday. And we just go finish Spiti and we go to Delhi, ship the car and then back to Europe, driving through Kazakhstan and Northern Silk Route. Okay, and how was the experience in India? Absolutely amazing, absolutely amazing. All over India, you travel different language, different food, nice people. What else do you need? कल हम लोगों ने लेट नाइट तक काफी बातचीत की थी. इसके लिए आपको खुद यहाँ पे होना पड़ता है. एक दो मिनट में कुछ खास आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं. Keep rolling with peace, bro. Cool, that's cool. Really gonna miss you guys. आज हम लोगों को भी काजा के लिए निकलना तो था. अगर कौशल आता है तो निकलते हैं. 12 बजे से पहले आता है तो निकलते हैं, या फिर यहाँ पे ही होल्ड करेंगे. ये रास्ते से आए थे कल हम लोग. ये रास्ता नीचे से होते हुए यहाँ से यहाँ आएगा. हाई एल्टीट्यूड्स पे लो एयर प्रेशर की वजह से ये भी फूल के फट जाने वाला है भाई. हम भी फट जाएंगे भाई. चल भाई, 15 जोन हो चुके हैं, 2 बजने वाले या, और हम लोग ने से सामान लोड किया है क्योंकि कल बकचोदी हो गई थी. हाँ। कौशल कुछ ना कुछ कांड लेके आता है. बाइक रिपेयर करवाई उसकी. अब काजा तक रूट करेंगे. देखते हैं आप आज काजा पहुंचते हैं या फिर. इट इज 120 किलोमीटर साइड फ्रॉम हियर. या 3-4 वोटर क्रॉसिंग है बट होपफुली अपने डॉक्टर साहब और कौशल का भाई मिल जाए. भाई हम लोग के पास तो लाइफ सेवर है ये. सो हम लोग तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. डॉक्टर भाई खींच लेना भाई आज. बराबर खींच लेंगे ऐसा बोल रहे हैं. देखते हैं आज कहाँ रुकना है पता नहीं है. काजा तक खींचना है इतना पता है. अब देखते हैं कहाँ तक ले जाता है खुदा. नो प्लान इज आवर प्लान. या ये सब कहने में अच्छा लगता है लेकिन जब फटती है ना. कल रात को जैसी हमें लगी थी हमें ही पता है भाई. ओके सो गाइस अभी बज चुके हैं 2. कौशल का बाइक रिपेयर हो गया. ही इज बैक फ्रॉम मनाली. जैसे ही निकलने वाले थे वेदर ने ले लिया. और हाँ 2 बज गया है फिर भी निकलना है. निकलना है क्यों? क्योंकि अपने को तो सिर्फ पानी निकलना है भाई. पानी मतलब वाटर क्रॉसिंग निकलना है. दिन का भी पानी निकल रहा है. हाँ और एक दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. ये जो वाटर क्रॉसिंग गंदे वाले थे मैड वाले जो वाटर क्रॉसिंग थे वो 2-3 आगे थे निकल गए हैं. अभी 2-3 क्रॉसिंग और है लेकिन उतने टफ नहीं होंगे. लेट्स सी. चंद्रताल है यहाँ से 35 किलोमीटर्स एंड काजा यहाँ से 120 किलोमीटर्स है. देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज. नो प्लान इज आवर प्लान फॉर टुडे. लेट्स हिट द रोड. रोड तो है नहीं. लेट्स हिट द ऑफ रोड. भाई डॉक्टर साहब आज कैसा है? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद. डॉक्टर साहब अपने थोड़े फर्स्ट टाइम राइड पे निकले तो उसकी वजह से थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन रहता है लेकिन हम पंप कर रहे हैं तो हो जाएगा. एंड या दैट्स माय बाइक. सो गाइस एज यू कैन सी बारिश के छींटे स्टार्ट हो गए हैं. अचानक से वेदर ने अपना रंग बदला है जी. वैसे भी हमारा राइड तो एडवेंचर से पूरे पूरा भरपूर है. सो बाबा छतड़ू. Thank you.
पत्थर। ओह मैन, उतारते हैं। हो मैन, आज ऑफ रोडिंग और वाटर क्रॉसिंग के लिए एक नई बात जानने को मिली मुझे। जो सुबह में मैकेनिक आया था रिपेयर करने के लिए, उन्होंने बताया वाटर क्रॉसिंग और ऑफ रोडिंग पे क्लच का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करो। अगर आप क्लच दबाते ही नहीं है तो आपका बाइक रुकेगा ही नहीं। तो ध्यान में रखो, क्लच के मिनिमम यूज से आप बिना नीचे पैर रखे आप वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर सकते हो। अगर आपको कोई आइडिया ऑफ रोडिंग और वाटर क्रॉसिंग के लिए है, शेयर करो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो हमारी कम्युनिटी, हमारे ब्रोस को कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। हाँ, बारिश के छींटे आ रहे हैं, बंद हो रहे हैं, आ रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ऐसा हो। हे, हैव अ गुड डे। ओके, थैंक यू ब्रो। वो भाई बोल के गया, वेरी डेंजरस बॉर्डर क्रॉसिंग इज अहेड। फटाफट करते हैं, आगे और एक भी है। एक ही है, तीन बोले थे मेजर, देखते हैं अगर कितना है। एक तो होगा ही यार। आने दे। गुड लक संगे शक्ति कलो युगे। अगर मुट्ठी बंद होती है ना तो किसी को भी हिला सकती है। अगर हम सब साथ में है ना भाई, तब ऐसे तो वाटर क्रॉसिंग नहीं रिवर क्रॉसिंग पास कर लेंगे। ऐसे तो कामरा जी ने बहुत सारे किए भाई। यहाँ पे सही टेक्निक के बिना सब कुछ फीका पड़ता है भाई। साइलेंसर धक्का मार निकल गया है। सड़क कच्ची है, गाड़ी धीरे चला है भाई, इस पे स्पीड बढ़ भी नहीं सकती यार। मौसम बिगड़ रहा है भैया, बारिश हो रही है, वाइजर पे पानी आ रहा है और गियर्स पे भी, गोप्रो पे भी। विश करो कि बारिश कम हो जाए गाइस। अगर इतनी बारिश रहती है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ माइक का, गोप्रो का, क्योंकि ये ओपन केस है। अगर बारिश ज़्यादा होती है देन सॉरी, मुझे कैमरा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, अनमाउंट करना पड़ेगा अपना गोप्रो।
गाइस बारिश हो रही है, एवरीबॉडी इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर रेन। और अपने डॉक्टर साहब की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया शायद, पता नहीं, बार बार झटके देके बंद हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पेट्रोल डाल के देख लेता है। ठंड और बारिश दोनों है यहाँ पे। चंद्रा रिवर के साथ साथ पैरेलली हम लोग जा रहे हैं रास्ते पे, वहाँ से आए वहाँ को जाना है। और इसको देखो, फाइनली सूरज दिखने वाला ऐसा लग रहा है। स्कूल बैन दिखना ही चाहिए, थोड़ी गर्मी चाहिए हम लोगों को अभी, ठंड में बहुत घूम लिए, बारिश में और स्नो में चला चला के थक गए हैं। सूरज देवता दर्शन दे दो यार। चंद्रताल पहुंच गए हम लोग, राइट नाउ इट्स 7 PM। ठंडे तो ले रखी है, बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड था, हवा बहुत जोर से चल रही है, पानी तो भरा है। जो यहाँ पे 800 रुपये में पर पर्सन विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट टेंट मिल गया हम लोगों को। ओके, बहुत ही ठंड है गाइस, बाहर तो बैठ ही नहीं सकते। सुबह में चंद्रताल के लिए 40 मिनट्स का ट्रैकिंग करना पड़ेगा चंद्रताल लेक के लिए, लेट्स सी सुबह में क्या होता है। और ऐसी कुछ हालत है टेंट के अंदर भी, बहुत गंदी वाली हालत है। डिनर करना है और सो जाना है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू भैया। क्या क्या है खाने में? रोटी, दाल, राइस एंड सब्जी। सही है, डिनर कर लिया है। बहुत ही ज़ोर से हवा चल रही है यहाँ पे, एंड टेम्परेचर आपको दिखाता हूँ बाद में कितना टेम्परेचर है। हम लोगों का सामान सब यहाँ पे पड़ा है, 3 लोग वहाँ पे सोए हुए हैं और 1, 2, 3, टोटल 6 बेड है यहाँ पे चंद्रताल में। आज कुछ ज़्यादा ही वेदर ख़राब है, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड ओवर हियर, पता नहीं नाइट कैसी निकलेगी। कैन यू हियर द साउंड? वो फट गई है, लेकिन मज़ा आ रहा है एडवेंचर राइड पे। अगर एडवेंचर ना हो तो क्या मज़ा आएगा। 3 दिन से काजा पहुँचता था, 2 दिन से चंद्रताल में चंद्रताल ही पहुँच पाए। 50 किलोमीटर का राइड भी हार्डली किया है हम लोगों ने, चलता है राइड है, चलता है क्या एक्सपीरियंस बनने जो है साहब। मैं तो पूरा स्लीपिंग बैग में पैक होके सोने वाला हूँ। स्लीपिंग बैग, इसके ऊपर ये ब्लैंकेट, इसके ऊपर ये गद्दा, इतना डाल के सोना पड़ेगा आज, क्योंकि टेम्परेचर है 9.5 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है अभी। बाहर तो 3-4 डिग्री होगा ही होगा। 10:30 बज रहे हैं अभी, रात को तो इट्स गोना बी, देख लो जी क्या क्या करना पड़ता है। देखा किसको किसको स्पीति राइड करना है भाई, जल्दी देख के आ जाए। तो गाइस दैट्स इट, सी यू टुमारो, टिल देन कीप रोलिंग विथ पीस ब्रो, पीस। अभी फ्लाइट उड़ने के लिए रेडी हो रही है। जो हमारे एक्सपीरियंस बंदे हैं, सुपर एक्सपीरियंस। बाइक की नहीं बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन करने की बात कर रहा हूँ डॉक्टर। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा वाला एक्सपीरियंस। 1, 2, 3, गुड नाइट, कीप रोलिंग विद पीस।